पाक फौज सियासत में मुलव्वस नहीं, DGISPR ने दो टोक कह दिया। मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि फौज पूरी कौम की है, किसी एक फरीक का साथ देने की मुतहमल नहीं हो सकती। मौजूदा सूरत हाल सियासी मसला है, इसे सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए। BBC को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि शिद्दत पसंद दोबारा सर उठा रहे हैं। उनका कहना था कि ज़र्बे अस्ब की कारी वार से दहशत गर्दों की कमर टूट गई है और बिखरने के बाद अब इक्का दुक्का हमले कर रहे हैं। मिड लेवल लीडरशिप से कुछ लोग मारे गए हैं, जो कुछ बड़े नाम हैं आपको पता है, फजलुल्ला, मुल्ला फजलुल्ला जो इस वक्त TDP का लीडर है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कुनर और नूरिस्तान में, वो तो ज़र्बे स्टार्ट होने से पहले ही उधर बैठा हुआ था, और इसी तरह उसकी और भी काबीना के कुछ लोग हैं जो उसके साथ बैठे हुए हैं, और इसके लिए हम कंटिन्यूसली अफगान्स को अर्ज करते रहे, उन्हें रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि ये वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्लान कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, इनको या मारा जाना चाहिए या इनको पकड़ के हमारे हवाले करना चाहिए। उनका कहना था कि ऑपरेशन ज़र्बे अस्ब कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, ताहम इसके मुकम्मल होने की डेडलाइन नहीं दी जा सकती।